नमस्कार। भारतीय संस्कृति में रंगों का अपना महत्व है। ये रंग जीवन में खुशियों और ऊर्जा का संचारण करते हैं। बसंत पंचमी से शुरू हुआ रंगों का उत्सव सिलसिला पंचमी पर पहुंच के थम जरूर जाता है, लेकिन ये रंग हमें दे जाते हैं इतनी ऊर्जा कि हम आने वाले वक्त में कुछ नया कर सके। मध्य प्रदेश के मालवा में रंग पंचमी का उत्सव देखते ही बनता है। इस रंग पर्व का आरंभ होता है देवादिदेव कालों के काल महाकाल के दरबार में। महाकाल नगरी उज्जैनी में रंग पंचमी धूमधाम से मनाई गई है। सुबह 4 बजे भस्म आरती में पुजारियों ने भगवान महाकाल के साथ टेसू के फूलों से बने रंग से होली खेली। इसके बाद शहर में रंग खेला गया। बाबा महाकाल के साथ होली खेलने के लिए टेसू के फूलों से प्राकृतिक रंग तैयार किए गए थे। सुबह भस्म आरती में भगवान के साथ भक्तों ने इसी रंग से होली खेली। राजाधिराज के आंगन में रंग उत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। उनके लिए भी बाबा के आंगन में होली खेलना खास रहा। बैंड बाजों के साथ निकलने वाली गेर में महाकाल ध्वज निशान शामिल रहे। महाराष्ट्र के पुणे की ढोल पार्टी आकर्षण का केंद्र रही। रंगों के त्योहार रंग पंचमी का उल्लास एक बार फिर नजर आया। फाग यात्रा के साथ शहर भर के हजारों लोगों ने राजवाड़ा पर एकत्रित होकर रंगों का उत्सव मनाया। गेर में कहीं मिसाइलों से रंग बरसाया गया तो कहीं रंग गुलाल से तिरंगा बनाया गया। देश के सबसे स्वच्छ शहर 72 साल से चली आ रही सतरंगी गेर की परंपरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए शहर एकमत हुआ। सभी का कहना है कि जैसी रंग पंचमी इंदौर में मनाई जाती है, वैसी देश दुनिया में और कहीं भी नहीं मनाई जाती। राजवाड़ा क्षेत्र में 4 किलोमीटर मार्ग पर उत्सवी उल्लास छाया रहा। रंग बरसाते गेर, राजमहल्ला, मल्हारगंज, गोराकुंड, खजूरी बाजार, राजवाड़ा, गोपाल मंदिर, सर्राफा, शीतला माता, नरसिंह बाजार, इतवरिया बाजार से निकलेगी। रंग पंचमी के जुलूस में स्वचलित मिसाइल से 70 फीट ऊंची तक रंग फेंका जाएगा। इसमें जगह जगह टैंकर से पानी का फव्वारा छोड़ा जाएगा और कंप्रेशर से गुलाल उड़ाया जाएगा। जैसी गेर इंदौर में निकलती है, वैसी और कहीं नहीं निकलती। इंदौर की पहचान गेर को देखने दूसरे शहरों से लोग आते हैं। विदेशी लोग इसे देखकर अचंभित हो जाते हैं। गेर में न किसी से चंदा लेते हैं और ना ही राजनीति हावी रहती है। इस त्योहार को अगर हेरिटेज कलर फेस्टिवल नाम दिया जाए तो इसकी पहचान विश्व स्तर पर बने तो यह इंदौर के लिए गौरव की बात होगी। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आइसक्रीम ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। जीवन बीमा द्वारा बचत क्यों करें? ये बचत के साथ जोखिम भी कवर करता है। ये कंपलसरी और सिस्टमैटिक सेविंग्स के साथ बचत प्रदान करता है। ये कर्ज वगैरह के रूप में लिक्विडिटी देता है। इन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लागू नियम अनुसार टैक्स कंसेशन भी मिलता है और पात्रता के आधार पर पाएं बोनस के रूप में लाभ। भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप पर है हमारी सुरक्षा की छाया। LIC, हर पल आपके साथ। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी, प्लानिंग करो अब लाइफ की, सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी। घर अपने खुशियां ले आओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रंग पंचमी के मौके पर भोपाल में भी जमकर रंग खेला गया। जगह जगह जुलूस निकाले गए और लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। भोपाल के चौक बाजार, कोलार, BHEL और नेहरू नगर में रंग पंचमी के मौके पर जुलूस निकाले गए। रंग पंचमी पर होली से भी ज्यादा उत्सव लोगों को देखने को मिले। चौक बाजार से अलग अलग झांकियों से सजा जुलूस निकला और उसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रंग पंचमी पर लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाया और शुभकामनाएं दी। रंग हो, भंग हो और मस्ती की तरंग हो तो मौसम चकल्लसी हो जाता है। ऐसा ही हुआ रंग पंचमी पर BJP नेता बृजेश रावत के यहाँ। चकल्लसी होली मनाई गई, जहाँ गीत संगीत के साथ रंगों की महफिल सजी।
मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बृजेश लुनावत ने रंग पंचमी पर चकल्लसी महफिल सजाई। महफिल में रंग अबीर, गुजिया पकौड़े से लेकर नाच गाने तक का इंतजाम था। इस चकल्लसी होली का यह 8वां साल था। बृजेश लुनावत और उनकी मित्र मंडली इसका आयोजन करते हैं। पारंपरिक अंदाज में परिवारों का मिलना जुलना इसका उद्देश्य होता है और अब भोपाल में लोगों को इस चकल्लसी होली का इंतजार रहता है। इस बार भी बृजेश अतिथियों को गोल्डन तिलक लगाते नजर आए, जमकर गुलाल उड़ाया और फाग गीतों की महफिलें सजी। सबको, शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को रंगपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन भी ऐसे ही सतरंगा हो और देश और प्रदेश आगे बढ़ता जाए, यही शुभकामना। तो पता नहीं, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि रंग सब पे चला रहना चाहिए। खूब बचाओ पानी भैया, खूब बचाओ पानी भैया 364 दिन, खूब बचाओ पानी भैया 364 दिन, पर तुम मत खेलो होली पानी बिन। आप तो राजनेता है जी, चुनाव आ गया है, आने दीजिए, चुनाव तो आते रहते हैं। भोपाल में दिग्विजय सिंह आ गए, तमाम तरह के लोग रंग बदल बदल के, कपड़े बदल बदल के, स्वांग रंग रस के आ रहे हैं। कहाँ आ रहे दिग्विजय सिंह? रंग बदल के, कपड़े बदल के, स्वांग बदल के भोपाल आए हैं, यही कहना चाह रहे हैं? हम भी तो यही कह रहे हैं, लेकिन उनका असली रंग भोपाल बता देगा वो किस रंग के हैं। तो भोपाल तालाब में इतना पानी है, अच्छे अच्छे सूरमा कांग्रेस के आ जाएं, सबका रंग बिरंग हो जाए। चकल्लसी होली का मुख्य किरदार लेखक, पत्रकार, डॉक्टर्स, व्यापारी और राजनेता होते हैं। ये सभी लोग चकल्लसी होली के बहाने मिल बैठते हैं और जमकर हंसी ठिठोली होती है। कहीं अबीर तो कहीं फूल बरस रहे होते हैं। होली और रंगपंचमी रंगों का त्योहार है। हम मत भूल कर, भिन्नता भूल कर, संदेशों को भूल कर सिर्फ एक ही संदेश देते हैं कि मिलजुल कर रहिएगा और आगे बढ़िएगा। रंग विविधता का प्रतीक है और ये भारतीय संस्कृति का भी प्रतीक है। रंग मिल जाएंगे तो जीवन में भी रंग मिल जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। रंग पंचमी की शुभकामनाएं भैया। रंग पंचमी की तो सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं। और जो होली को जब जो रंग उतरे तो पतो चले कि की को चेहरा कैसो, तो पतो चले केवी जनन को चुनाव को टेम है, दल बदल को मौका है। पतो पर जब रंग लगा हो तो तब भाजपा ही रहती हो, जब रंग उतरे तो कांग्रेस ही होगा, ऐसे हो जाने हाल। और केवी जनन को चुनाव के बाद ऐसा रंग उतरने के अगले 2-4 साल तक होली नहीं मना पाऊंगा। रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम, नमस्कार। उत्सव और उनकी मस्ती हमारी प्राचीन परंपरा का हिस्सा है। भारतीय उत्सव का अर्थ ही कहीं ना कहीं ईश वंदना है। ऐसे में उत्सव की शुरुआत का भी अपना अलग अंदाज होता है। चकल्लसी रंगपंचमी का आयोजन होता है और इस बार एक नया कार्यक्रम लेके सर्वोत्तम ग्रुप उज्जैन, हरीश जी की पूरी टीम है। तो एक बार हरीश जी के लिए जोरदार, हमारे मेहमान है उज्जैन से, आई है पूरी फाग कलाकारों की ये टीम। और लगातार आने वाले 2-3 समय में रंग और हुदड़ंग के साथ आपका ये मनोरंजन करेंगे। तो हरीश जी का स्वागत है इस चकल्लसी परिवार में, आपका स्वागत है, पूरी टीम का स्वागत है। होली के आगमन
आगमन से पूर्व ऋतुराज बसंत का आगमन बसंत पंचमी से मनाया जाता है और यह मदमस्त रंगों की छटा तब से शुरू होकर रंग पंचमी तक चलती है। यह बोराय बसंत की विदाई की बेला है, लेकिन बसंत रंगों से सराबोर होकर जीवन जीने का संदेश देकर जाता है। देखिए, रंग पंचमी सिर्फ उल्लास का पर्व नहीं है, ये एक आनंद का पर्व है। एक पर्व वो है जब हम एक ऋतु से दूसरी ऋतु की ओर बढ़ते हैं, इसीलिए इस बात का आनंद महसूस किया जाता है कि ऋतु परिवर्तन का जो उत्सव है हिंदुस्तान की संस्कृति में, अगर हम देखें तो हर ऋतु परिवर्तन पर एक उत्सव होता है। ठीक वही रंग पंचमी और होली है, ऋतु का परिवर्तन है। हम होलिका को जो अन्न देते हैं, यहाँ शहरों में नहीं मालूम होगा, गाँव में हम ज्वार गेहूँ की जो पहली बाली होती है वो होली को देते हैं, तो बाली जल जाती है और दाना रह जाता है, तो दाने को प्रसाद माना जाता है। तो इसी तरह से ये होली का उत्सव है कि हम ईश्वर को भोग लगा करके हम शुरुआत करते हैं उत्सव की, जीवन के आनंद की। ये जीवन के आनंद का उत्सव है। होली का अवसर है, चौकीदार की बहुत चर्चा हो रही है। मैं एक जोगीरा दोहा आपके सामने दखल न्यूज के दर्शकों के सामने पढ़ता हूँ। क्या प्रतिक्रिया हो रही है चौकीदार के नारे की? दोनों तरफ से चौकीदार के नारे हैं। मैं दोनों नारों को एक दोहे में परो करके आपके सामने पढ़ता हूँ कि चौकीदार को चोर कहा जब उसने बिन आधार, किसने बिन आधार? पप्पू ने। अरे चौकीदार को चोर कहा जब उसने बिन आधार, देश खड़ा हो करके बोला मैं भी चौकीदार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और क्या प्रतिक्रियाएं हो रही है देश में, चौकीदार की क्या स्थिति है? एक हार्दिक पटेल का बयान आया था कि अगर मैं किसी राजनीतिक पार्टी में जाऊं तो आप मुझे जूता मारना। अब क्या हो गया है, हार्दिक पटेल ने पार्टी ज्वाइन कर ली है कि अगर किसी पार्टी में जाऊं जूता देना आप, अरे अगर किसी पार्टी में जाऊं जूता देना आप, आज ढूंढती है जनता की कहां मिलोगे आप, जगीरा सारा रा रा रा। और एक है हुआ, एक दोहार पढ़ता हूं कि राहुल गांधी ने ना जाने कौन भांग है पी, भांग राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ हो जाता है होली के समय, कि राहुल गांधी ने ना जाने कौन भांग है पी, आतंकी से तू तड़ाक, आतंकी से मोदी जी से तू तड़ाक और आतंकी से जी, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा। होली है, होली की मस्ती है, आप सभी को शुभकामना। आज के होली के शुभ अवसर पर सबसे बड़ी कॉमेडी ये है कि भोपाल से मिस्टर भंटाधार आ रहे हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश का भंटाधार तय हो गया है। और देश में पहले पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इस बार अभूतपूर्व बहुमत से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आलू डाल के सोना निकालोगे? और राहुल बाबा अपनी आलू की फैक्ट्री चलाएंगे, सोना चांदी क्या बनाते हैं वो? पप्पू, बुरा ना मानो, होली है। रंग में भीग के आप और हम जैसे कोई उम्र का पता नहीं लगता, वैसे ही चकलसी होली में उज्जैन के कलाकारों ने समा बांध दिया। अलग अलग राज्यों की होली की छटा को कलाकारों ने मंच पर बहुत ही पारंपरिक तरीके से पेश किया। होली फिर ईश्वर की हो या इंसानों की, सभी को मस्ती में सराबोर कर देती है। Oh,
स्पेशल पर इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। रंगपंचमी की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं।